subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सो हम लोगों जुड़ चुके हैं महेंद्रास के ऑफिशियल चैनल से. मैं शालिनी महेंद्रास आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस एडिटोरियल सेशन में. सो कस्तूरी दत्ता वेरी गुड मॉर्निंग, उर्वशी चौहान वेरी गुड मॉर्निंग, आदर सर गुड मॉर्निंग, प्रीति वंदना सुरभि सौमित्रा वेरी गुड मॉर्निंग, सुरभि हर्षित अजय यूपी वेरी गुड मॉर्निंग सर, अर्पित शुक्ला वेरी गुड मॉर्निंग, प्रीतम सर वेरी गुड मॉर्निंग. सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना किसी डिले के. बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं विद अ गुड थॉट, एक अच्छे से विचार के साथ हम सेशन की शुरुआत करते हैं. राइट सो बेसिकली उससे पहले कुछ जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ ऑनलाइन बैचेस में जुड़ना चाहते हैं. सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अस. जो हमारा नया बैच अभी स्टार्ट हुआ है, दैट इज स्टार्टिंग, दैट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 14th of December. 14th of December से बैच स्टार्ट हुआ है. बैंक का बैच अगर आपको ज्वाइन करना है सो टाइमिंग इज 7:30 to 9:30 PM एंड वन मोर टाइमिंग इज 6:30 to 8:30 PM एंड SSC का जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 1 बजे से 3 बजे का. वेरी गुड मॉर्निंग आशीष रंजन, अमित कुमार दास, रिंकू सर वेरी गुड मॉर्निंग, किरण सर, अर्चित वेरी गुड मॉर्निंग. ठीक है 24th December और 28th December को भी बैच स्टार्ट हो रहा है. टाइमिंग यहाँ पे मेंशन है, एक सुबह 8 बजे का बैच है और एक है 5:30 PM का. राइट एंड SSC का शाम को 7:30 से 9:30 PM का बैच है और 1 PM to 3 PM. बैंक का 28 दिसंबर को एक और टाइमिंग है, दैट इज 2 PM to 4 PM. सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अस इफ यू वांट टू ज्वाइन अस. राइट उसमें इंटरेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर, हम बात कर सकते हैं, आप हमें देख सकते हैं, हम आपको देख सकते हैं, तो आप प्रॉपरली इंटरेक्ट कर सकते हैं. तो सोनू कुमार सिंह वेरी गुड मॉर्निंग, यशी वेरी गुड मॉर्निंग. चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना किसी डिले के. जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने एडिटोरियल के सेशन में, यू ऑल नो दैट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वोकैबुलरी सेशन, जो कि डेली हिंदू वोकैबुलरी के अपडेटेड वर्ड्स होते हैं. डेली हिंदू वोकैबुलरी के अपडेटेड वर्ड्स हम पढ़ते हैं, ठीक है उसके बाद हम रिविजन करते हैं जिसमें हमारा इंक्लूडेड होता है आपका क्विज सेशन, है ना. क्विज सेशन हमारा इंक्लूडेड होता है, उसे भी हम करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन विद द एडिटोरियल एनालिसिस, जो डायरेक्टली हम न्यूज़पेपर में द हिंदू न्यूज़पेपर जो आता है ना. ठीक है सो वो आपका एडिटोरियल एनालिसिस होगा. ठीक है वेरी गुड मॉर्निंग श्याम जी, वेरी गुड मॉर्निंग अरुण सर. चलिए सेशन को अब स्टार्ट करने के लिए आज का जो विचार है ना, आज मैंने थोड़ा हिंदी में लिया है ना, थॉट जो है आज का वो मैंने हिंदी में लिया है. आशीष रंजन सर अभी लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगी, वहां से आप फीस वगैरह सारी चीजें पता कर सकते हैं. और सबसे बड़ी चीज है आप महेंद्रास की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, है ना, महेंद्रास की जो ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज mahendras.org, वहां पे आपको काफी सारे स्ट्रक्चर मिल जाएंगे और जो नंबर है कॉलिंग नंबर है उस पर आप कॉल करके भी सारी जानकारी ले सकते हैं. वेरी गुड मॉर्निंग जीतू नायक, जल्दी से सेशन को शेयर कर दो सो दैट बाकी स्टूडेंट्स भी जो हैं वो सेशन में इजिली जुड़ जाएं. चलो आज का जो कोट है ना, मैंने कहा ना मैंने हिंदी में लिया है, तो जैसे कि यहाँ पे कोटेशन जो है वो ये है कि कई जीत बाकी है कई हार बाकी है. ठीक है कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है ना. बहुत सारी ऐसी सक्सेस हैं और फेलियर्स हैं जो अभी बाकी है हमारी लाइफ में, है ना, और जिंदगी का सार अभी बाकी है. यहां से चले हैं नई मंजिलों के लिए, है ना, यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है. मतलब दिस इज द ओनली वन फेज, दिस इज द फर्स्ट फेज, ये पहला फेज है, अभी तो पूरी पूरी किताब बाकी है. आपको सक्सेस पानी है अपनी लाइफ में, अभी बहुत सारी चीजें देखनी है ना. ठीक है तो यहाँ पे मैम यशी मैम इज आस्किंग कि मैम कितने दिनों में इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी. बेटा डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू नो हाउ यू आर प्रैक्टिसिंग योर वोकैबुलरी, हाउ यू आर जस्ट फ्लुएंट इन योर इंग्लिश, है ना, कितना ज़्यादा आप इन्फ्लुएंट हैं, कितनी इजिली आप कितना क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं बेटा. ठीक है वेरी गुड मॉर्निंग. ठीक है तो समझ में आया इस ये कोटेशन समझ में आई कि दिस इज द ओनली फेज ऑफ योर लाइफ, अभी ये स्टार्टिंग है. ठीक है उसके लिए आपको क्या करना है, काफी मेहनत करनी है, काफी स्ट्रगल करना है और सक्सेस को पाना है. ठीक है सो यहाँ पे आपको जो वोकैबुलरी सेशन ही है, मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है ये वोकैबुलरी सेशन एक ऐसा सेशन है जिसमें कोई भी एग्जाम बाउंड नहीं है. इससे आपकी एग्जाम की तो तैयारी होती ही होती है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो. वोकैबुलरी एक ऐसा पार्ट होता है ना, वोकैबुलरी एक ऐसा पार्ट होता है, यू ऑल नो दैट, कि किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम के लिए ये काफी बेनिफिशियल है. ठीक है
समझ में आया? टेक्निकल टीम यहाँ पे भी एक लिंक प्रोवाइड कर देगी, आप कॉल कर करके जो जो भी आपको बात करनी है कर सकते हैं, ठीक है प्रीतम सर? चलो नाउ मूविंग फर्दर विद दी कैंडिडेट्स, जिन्होंने भी जो वर्ड्स दिए गए थे उनके मीनिंग्स सक्सेसफुली एकदम अच्छे से कमेंट किए हैं. सुशील वेरी वेल डन, सोनू आदर्श, अनिल सर, सोनू आदर्श, अनिल सर और शीर, अमित, मनीषा, जर्नी, खुशबू, सुरभि, सोनी, आस्था, चंद्रिका, श्रुति, इन सभी ने एकदम करेक्टली आंसर किए हैं. वेरी वेल डन चैंपियंस. बाकी लोग भी ट्राई करा करें कि वो कमेंट बॉक्स में सारे आंसर्स दिया करें. यानी जो होमवर्क आपको दिया जाता है, जो होमवर्क आपको दिया जाता है उसको क्या करना है, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करना है. ओके एवरीवन, सो आर यू ऑल रेडी टू लर्न न्यू वर्ड्स? क्या आप सभी तैयार हैं डेली अपडेटेड वर्ड्स को लर्न करने के लिए? जस्ट गिव अ बिग थम्स अप सो दैट वी कैन स्टार्ट फर्दर. जल्दी से एक थम्स अप दे दे, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे कि जो सो रहे हैं ना वो उठ जाएं एक बार, है ना? जो सो रहे हैं उनको जगाओ, कह दो भाई पढ़ो, वोकैबुलरी सेशन स्टार्ट हो चुका है. ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? चलो जल्दी से जस्ट गिव अ बिग थम्स अप. स्नेहा डी, वेरी गुड मॉर्निंग, जल्दी से सेशन को ज्वाइन करो सभी. Yes everyone, fast. Fast everyone. चलो सुरभि तो रेडी हो गई और बाकी लोग कब आएंगे? Everyone. Join the session everyone. ओके फोक्रिया, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मीमांशा, वेरी गुड मॉर्निंग सोनी यादव. चलो सभी रेडी हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, जल्दी से रेडी हो जाओ. चलो फर्स्ट वर्ड की तरफ हम बढ़ते हैं एंड द फर्स्ट वर्ड इज कनंड्रम, है ना? पहला वर्ड जो है दैट इज कनंड्रम. कनंड्रम का मतलब होता है सम काइंड ऑफ अ पजल, व्हेन यू आर जस्ट कंफ्यूज, है ना? कोई चीज है, है ना, कोई चीज जैसी जैसे जो पजल्ड होती है, जो हमें चीजें समझ में नहीं आती, जिसे हम कहते हैं पहेली. सो दैट इज नोन एज कनंड्रम. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? कनंड्रम. और यू कैन से अ कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट प्रॉब्लम और क्वेश्चन. एक कंफ्यूजिंग और जो बहुत ही ज्यादा कठिन समस्या होती है या क्वेरी होती है. ठीक है, सो दैट इज नोन एज कनंड्रम. यस, परप्लेक्स ही कंफ्यूजन, परप्लेक्स मीन्स होता है कंफ्यूजन. ठीक है, यस यू आर राइट प्रीतम सर, एंड पजल. वेरी गुड मॉर्निंग सभा. ठीक है, गुड मॉर्निंग रोशनी. सो यहाँ पे समझ में आया, कनंड्रम मतलब एक जो कंफ्यूजन प्रॉब्लम होता है, क्वेश्चन होता है जो हमें समझ में ही नहीं आता है ना, सो वो होता है कनंड्रम. हरि ओम सर, वेरी गुड मॉर्निंग. सो सिनोनिम्स आर पजल और यू कैन से एनिग्मा आल्सो. क्या बोलते हैं उसको? एनिग्मा भी बोलते हैं. एंटोनिम इसका क्या है? एंटोनिम इज क्लैरिफिकेशन, ऑब्वियसनेस. जहां पे पूरी पूरी क्लैरिटी हो, बहुत ज्यादा ऑब्वियस चीजें हो, किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है ना. हमारे जैसे थॉट्स है, थॉट्स हमारे क्लियर भी होते हैं और कंफ्यूज भी होते हैं. जैसे अपने करियर को लेकर के जब हम कोई चीज डिसाइड करने लगते हैं, सो हमें किसी ने कुछ बता दिया, फिर उन्होंने कहा नहीं अच्छा इस फील्ड में चले जाओ, फिर उस फील्ड में चले जाओ, तो वी जस्ट गॉट कंफ्यूज कि अरे हम जाएं किधर, हम करें क्या, एटलीस्ट नाउ वी आर पजल्ड. सो बेसिकली जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप अपना आगे का करियर चूज कर सकते हैं. करेक्ट, तो कनंड्रम इज जस्ट रिलेटेड टू अ कंफ्यूजन और यू कैन से पजल. ठीक है, समझ में आया? रवि कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग अंजनी सर. सो एंटोनिम इसका क्या है? क्लैरिफिकेशन. जहां पे आपके अपने खुद के थॉट्स की क्लैरिटी हो, है ना, ऑब्वियसनेस हो, सो दैट इज द एंटोनिम ऑफ इट. शील्ड, वेरी गुड मॉर्निंग. सेंटेंस इज द एडमिनिस्ट्रेशन इज फेसिंग अ फेमिलियर कॉनिंड्रम. जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या फेस कर रहा है? एक बहुत ही नोन कंफ्यूजन, जो जिसके बारे में जानता है कि यस I'll be confused in it, है ना, हम confused हो जाएंगे इसमें. So वो इसका sentence हो गया. I hope this word is clear to you all, everybody. समझ में आया? चल, next word की तरफ बढ़ते हैं and the next word is tardy. tardy मतलब होता है जो बहुत सुस्त होता है, बहुत ज्यादा मंदा. जैसे आजकल हम ना विंटर सीजन जब से आ गया है तो रजाई से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता, बहुत ज्यादा सुस्त सा महसूस करते हैं, बहुत एकदम मन मन सा कि अरे भाई कौन उठे, फिर फोन उठाए, जबकि सबसे पहले नजर फोन पे ही जाती है. अच्छा कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, अच्छा कोई व्हाट्सएप पे तो मैसेज नहीं आया, अच्छा फेसबुक में अपडेट देख लेते हैं, कुछ लोग न्यूज भी देखते हैं, मैं सबके लिए नहीं बोल रही, कुछ लोग न्यूज भी देखते हैं. सो बेसिकली tardy इज जस्ट काइंड ऑफ सुस्त और यू कैन से मंदा. ठीक है, यानी कि स्लो और लेट इन हैपनिंग और अराइविंग, मतलब बहुत स्लो स्लो रहना, है ना, बहुत लेट रिप्लाई करना, डिले हो जाना किसी चीज में. यस आशीष रंजन, लेजी, है ना, लैक्स, स्लम्प, ये सारे tardy हैं.
ठीक है, एंड बिलेटेड, हम वी यूज टू विश ना बिलेटेड हैप्पी बर्थडे. बिलेटेड मीन्स आप लेट हो गए, है ना, आप लेट हो गए, है ना. सो वो क्या हो गया, बिलेटेड और डिलेट, जो धीरे 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 उठ उठ के काम कर रहे हैं बहुत लेजीनेस से. अब हमको अगर ये पेन भी उठाना है ना, तो हम धीरे धीरे, जैसे कुछ लोगों से कुछ सामान मंगाया जाता है घर में, अक्सर करके ये होता है ना, जैसे मम्मी ने अगर बोल दिया ना कि जाओ जाकर के सब्जी ले आओ, तो ऐसे उठेंगे कि पता नहीं क्या बोल दिया गया, कौन सा बोझ उठाने के लिए बोल दिया गया, है ना, ऐसे मार ऐसे 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 चलना है ना. सो दैट इज यू नो व्हेन यू आर स्लो, है ना, जो ग्रेजुअली हम स्लो वे में चलते हैं या कोई भी काम करते हैं, यू आर स्लो इन इट, है ना, इन काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ हैपनिंग और यू कैन से अराइविंग. सो इंटेंडिंग इसका क्या है, दैट यू आर पंक्चुअल और बहुत ज्यादा अर्ली, है ना, बहुत ज्यादा पंक्चुअल है, टाइम पे है. अगर आपसे कोई काम कहा गया तो आप झट से जाकर के, ये काम तब होता है जब आप पंक्चुअल कब होते हैं पता है, जब इसमें आपका कोई फायदा होता है, अच्छा ये सामान मंगाया गया है तो इसमें मेरा भी कुछ हो सकता है ना. सो बेसिकली वो एंटोनिम इसका हो जाता है पंक्चुअल और अर्ली. जैसे यू ऑल आर पंक्चुअल फॉर दिस सेशन, मैं इतना जानती हूं कि अगर 7:30 AM हो गया तो तुरंत आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं. अगर एक दो मिनट का इधर भी इधर हो जाता है, अरे अभी तो क्लास क्यों नहीं स्टार्ट हुई, आज क्लास नहीं होगी क्या, है ना. सो ये समझ में आया कि 7:30 AM पे अगर आप आ गए, मींस यू आर पंक्चुअल, है ना, पंक्चुअल है, आपने कोई डिले नहीं किया, आप सुस्त नहीं है, है ना, अर्ली, आप जल्दी से, आपको एक ये रहता है ना कि चलो आज तो कुछ नया शायद हो सकता है, सीखने को मिले, आज कुछ नया सीखते हैं. डेली हमने 8 or 10 words अगर हमने पढ़ लिए तो समझो हमारा दिन बन गया भाई, हमें वोकैबुलरी के लिए अलग से डिक्शनरी उठाने की तो जरूरत नहीं पड़ती, है ना. अलग से क्या किसी को डिक्शनरी उठाने, अब तुम लोगों की खुद ही अपनी डिक्शनरी बन गई होगी, बन गई है कि नहीं बन गई है, बन गई होगी, है ना. कुछ लोग कल बोल भी रहते हैं कि मैम मेरी कॉपी भर गई, है ना, मेरी कॉपी भर गई. सो खुद की डिक्शनरी सोचो, हम लोगों ने डेली सिर्फ 10 वर्ड्स पढ़े हैं, 8 या 9 वर्ड्स पढ़े हैं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा है, लेकिन वो 26-30 days में अगर 10 वर्ड्स पढ़े तो मतलब वी हैव कलेक्टेड 300 वर्ड्स इन अ मंथ, इन अ मंथ वी हैव कलेक्टेड 300 वर्ड्स, कैन यू गेस दैट. तो वो अपने आप से ही समझ में आ गया, ठीक है. सो एंटोनिम इसका हो गया पंक्चुअल और अर्ली. Sentence is justice is often tardy, but you must not lose faith in the system. जो justice यानी कि न्याय जिसकी बात करते हैं, जो न्याय होता है वो little bit tardy है, सुस्त है, but हमें अपने system से अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए, है ना. हाँ lagger, yes राजीव you are right, lagging भी बोलते हैं ना, lagging क्या है, जहाँ पीछे रह जाते हैं, सुस्त रह जाते हैं, है ना. सो हर्षित राज ने भी इसका आंसर किया, एंटोनिम इसका है prompt. Very good morning अनिल सर, ठीक है. हर्षित राज ने डॉडलिंग भी किया है, वेरी गुड हर्षित राज सर. प्रीतम सर ने क्या लिखा है, अच्छा हाँ शील आपकी कॉपी भर गई. सो समझ में आया टार्डी, है ना, व्हेन यू जस्ट डिले इन समथिंग, किसी चीज में आप डिले करते रहते हैं, बहुत ज्यादा देरी करते रहते हैं, ठीक है. सो चलो नेक्स्ट वर्ड है एनक्रोच. एनक्रोच देखो हमने पहले भी पढ़ा था, एनक्रोच मतलब होता है बेसिकली अतिक्रमण करना. अतिक्रमण का मतलब ये हो गया कि टू टेक कंट्रोल or possession of something in a gradual way and often without being noticed. बना मतलब बिना किसी परवाह के किसी का भी अधिकार ले लेना, एक तरीके से अतिक्रमण कर लेना, है ना, समझ में आया. सो वो होता है एनक्रोच और यू कैन से ट्रेसपास और इम्पिंज ऑल्सो, है ना. ओके जोशी जी मोस्ट वेलकम इन द मेहंदास ऑफिशियल चैनल इफ दिस इज योर फर्स्ट क्लास. सो सिनोनिम इज ट्रेसपास और यू कैन से इम्पिंज. एंटोनिम इसका क्या है, रिफ्रेन करना, है ना, डिसकंटिन्यू कर देना किसी काम को, है ना, कंट्रोल नहीं चाहिए भैया हमें, है ना, इग्नोर कर देना, है ना. सो वो उसका एंटोनिम हो गया. एंड सेंटेंस इसका क्या है, ही नेवर अलाउज वर्क टू एनक्रोच अपॉन हिज फैमिली लाइफ, है ना, वो काम को अपनी फैमिली लाइफ में क्या है, वो उसका कंट्रोल नहीं होने देता. यस ओवरटेक वंदना, वेरी गुड, है ना. सो यस हर्षित. सो नेक्स्ट वर्ड जो है दैट इज पोडिया. ना पोडिया वर्ड यू ऑल नो, पोडिया सभी को पता है, पोडियम से बना है, पोडियम से ही आपका पोडिया बना है, तो पोडियम तो सबको पता होगा. जैसे हमारे सामने स्टेज में क्या होता है, एक वुडन रैक टाइप की रखी रहती है या टेबल टाइप की रखी होती है, जिसके ऊपर यू नो यू हम अपना हाथ ऐसे रख करके खड़े हो सकते हैं इजिली जब हमें परफॉर्मेंस देनी होती है या हमें कुछ बोलना होता है, मोस्टली स्पीकर्स जैसे होते हैं ना, उसके लिए क्या करते हैं, वो पोडिया का यूज करते हैं. गुड मॉर्निंग सचिन पटेल सर. सो यहाँ पे वो पोडिया यानी कि मंच के लिए यूज किया गया है और स्टेज के लिए, यस प्रीतम सर, स्टेज के लिए यूज किया गया है, ठीक है, यानी कि अ स्मॉल प्लेटफॉर्म फॉर अ स्पीकर
अ परफॉर्मर टू स्टैंड ऑन, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें स्पीकर और परफॉर्मर जो है खड़े होकर के अपनी स्पीच वगैरह दे सकता है, ठीक है। हाँ हाँ सुरभि बिल्कुल। सो यहाँ पे एक पोडिया ऐसा स्मॉल प्लेटफॉर्म है किसी भी स्पीकर के लिए, परफॉर्मर के लिए, जहां पर वो खड़े होकर के अपनी कोई भी स्पीच किसी भी तरीके से डिलीवर कर सकता है। सो दैट इज पोडिया। समझ में आया सभी को? हाँ हर्षिता, प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। यानी कि किसी भी तरीके का मंच, आप लोगों ने देखा भी होगा जैसे स्कूल वगैरह में जब आप होंगे तो एनुअल फंक्शन जब होते थे जो एंकरिंग करते थे ना स्टूडेंट्स, जो एंकरिंग में पार्ट लेते थे, एंकरिंग जो करते थे वो क्या होते थे, उनके लिए एक पोडियम लगा होता था जिसमें खड़े होकर के वो स्पीच देते थे, राइट। सो दैट इज पोडिया, उसे हम क्या बोलते हैं, पोडिया यानी कि स्टेज, यानी सिनोनिम इसका हो गया प्लेटफॉर्म और रोस्ट्रम। क्या है? प्लेटफॉर्म और रोस्ट्रम, ठीक है, समझ में आया। चलो ये राजीव सर, स्टेज इज द करेक्ट आंसर। सेंटेंस इज द क्वायर एंड द लॉन्ग स्पेस, जो क्वायर है और जो लॉन्ग स्पेस है, बहुत लंबी स्पेस है पोडिया में, वर फॉर मिनिस्ट्रेंट, जो मिनिस्ट्रेंट है उनके लिए है, ठीक है। सो आई थिंक पोडिया वर्ड इज क्लियर टू यू ऑल, समझ में आया, सभी को समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। तुम लोगों का अलग ही कुछ चलता रहता है ना क्लास में, चलो कोई नहीं, स्कूल में शक्तिमान बने थे और रियल लाइफ में शील्ड, हाँ बिल्कुल 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 एक्सपेक्टेड। चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज लैगिंग। अभी इसी से रिलेटेड एक वर्ड हमने ऑलरेडी पढ़ा, लैगिंग भी मतलब होता है स्लो और ग्रेजुअली जो वॉक करते हैं ना या किसी चीज में पीछे रह जाते हैं उसे हम बोलते हैं लैगिंग, यानी कि सुस्त होना, है ना, यानी कि टू मूव और डेवलप मोर स्लोली देन समबडी और समथिंग, किसी भी चीज से या किसी से व्हेन यू मूव और डेवलप मोर स्लोली, है ना, बहुत धीरे धीरे किसी चीज में काम करना, एकदम सुस्ती भरा, है ना, सो वो होता है लैगिंग। कहते ना शी लैग्स बिहाइंड, है ना, वो पीछे रह गए किसी काम में। यस लेथार्जी, लेथार्जी तो सबसे कॉमन वर्ड है, सबसे ज्यादा कॉमन वर्ड है और ये सबसे ज्यादा एसएससी में पूछा जाता है, लेथार्जिक, यही एक वर्ड लिख करके भी आता है, उसे चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं, है ना। तो लेथार्जी भी इसका क्या है, एक सिनोनिम है, और स्ट्रगल और डॉडल ऑल्सो, यू कैन से स्ट्रगल, बहुत स्लो स्लो। अब जैसे हम मान लो हम पढ़ा रहे हैं, अगर अच्छा ये लैगिंग लिख लो और फिर मीनिंग लिख लो, ये हो गया इसका, तो यू नो जो बहुत ज्यादा सुस्त होते हैं, डल होते हैं, मंद एकदम, कि बस कुछ सी काम में मन नहीं लग रहा है, बस किसी तरह काम खत्म हो जाए, है ना, ये सोच रहे, कभी कभी होता है, कभी कभी जब हम कभी घर में कोई काम कर रहे होते हैं कि बस ये भैया किसी तरीके से खत्म हो जाए, है ना, अगर वो आपको काम एक्साइट कर रहा है देन आप बहुत एंजॉयफुल की तरह एंजॉय कर करके कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मनीष सर, ये वोकैबुलरी एक्चुअली आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं उन सब के लिए भी है और आपकी डेली लाइफ वर्ड्स के लिए भी है, है ना। मैंने कहा ना कि दिस सेशन इज द ओनली सेशन जिसमें आप एग्जाम ओरिएंटेड होने के साथ साथ भी अपनी डेली लाइफ को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, ये वोकैबुलरी आपकी हर तरीके से काम आने वाली है, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। सो स्ट्रगल एंड डॉडल आर दी सिनोनिम्स, एंड एंटोनिम्स क्या है इसका, लीड और हरी, हेसन, मतलब जल्दबाजी में कोई काम करना एकदम, है ना, ठीक है, जल्दबाजी में, जैसे बहुत ज्यादा हरीड मैनर में, कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में, मैं अपनी बात बताती हूँ, इतनी ज्यादा जल्दबाजी होती है कहो गिर ही जाए, तो इतना भी हरी वे में नहीं काम करना है किसी भी तरीके से, है ना, इतना भी हरिड मैनर में नहीं चलना है हमें। सो जब आप बहुत जल्दबाजी में कोई काम करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है काम खराब होता है, आपको ना बहुत ज्यादा डिलेड होना है ना बहुत ज्यादा हरिड मैनर में रहना, मीडियम लेवल में रहो, है ना। सॉरी सेंटेंस इज पॉलिटिक्स इज लैगिंग बिहाइंड दिस ट्रेंड, ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, ये जो स्टाइल चल रहा है, तो पॉलिटिक्स यानी राजनीति जो है उसमें बहुत ज्यादा स्लो है, क्लियर सभी को, एवरीबॉडी, समझ में आया। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़े। हाँ सचिन सर, मैं साइड हो गई, नहीं दिख रहा है क्या, चल चल नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज
वेबिलिटी ना, वेबिलिटी इज रिलेटेड टू योर जो कैपेबिलिटी होती है ना, जो कैपेबिलिटी होती है उससे रिलेटेड होता है वेबिलिटी, यानी एबिलिटी टू वर्क एज इंटेंडेड और टू सक्सीड, मतलब सक्सेसफुल होने के लिए जो आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी जो योग्यता है काम करने की, क्षमता है जो काम करने की, दैट इज वेबिलिटी, और यू कैन से वेबल, है ना। और सिनोनिम्स इसके क्या है, जो फिजिबल हो, ऑपरेबल हो, हम कहते नहीं है इफ दिस इज फिजिबल टू यू देन यू कैन जस्ट परफॉर्म दिस एक्शन, है ना। अगर ये काम आपके लिए फिजिबल है, आपकी एबिलिटी है इतने काम करने की एक साथ, जैसे अगर आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई, या आप, मैं कह दूं आपने एक रूटीन बना लिया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि जैसे उन्होंने रूटीन बना दिया कि भाई सुबह 7 बजे ये क्लास करनी है, 7:30 पे ये क्लास करनी है, 8 AM पे हमें ब्रेकफास्ट करना है, 8:30 पे हमें फिर नहाने जाना है, फिर 9 PM पे फिर हमें क्लास करनी है, फिर इतने बजे सोना है, फिर खाना है, फिर लंच है, फिर डिनर है, फिर उसके बाद हमें कितने समय पढ़ना, तो देयर इज अ शेड्यूल। तो ये आप अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार इस चीजों को करते हैं, ठीक है, समझ में आया। ये आपकी जो योग्यता है ना, आपकी जो क्षमता है ना, उसके अकॉर्डिंग जो आप काम करते हैं, जो फिजिबिलिटी है ना, उसके लिए यार काम किया जाता है, उस तरीके से हम इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। ऑपरेबल मतलब जो आप, जिसको आप इजिली ऑपरेट कर सके, है ना, अपनी एबिलिटी के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस का, जो बहुत ज्यादा डल है, अपेथी है ना, आपकी एबिलिटी नहीं है, है ना, जो डलनेस एकदम आ जाए, तो वो आपका इंटेलिजेंस हो गया। सिनोनिम इज शी इज वेरी नेगेटिव अबाउट द लॉन्ग टर्म वेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है किस चीज को लेकर के, एबिलिटी ऑफ वर्क को, यानी इस प्रोजेक्ट में जो उसकी एबिलिटी, उसकी योग्यता लगनी है, उसको लेकर के वो क्या है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है। अच्छा एक चीज देखो, पता है क्या, लाइफ में नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। जहां आपका एक थॉट नेगेटिव हुआ ना, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखना चाहिए, बट यू शुड नॉट बी नेगेटिव, है ना। नेगेटिव हमारे दिमाग में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव हमें मिलेगा। ये बात हमेशा याद रखना, हमेशा का ये लिख लो बात मेरी, कि अगर नेगेटिव सोचा तो नेगेटिव ही मिलेगा, यू शुड बी पॉजिटिव। अब आप ये कहो कि हर कंडीशन में हम कैसे पॉजिटिव रहें, जहां पे नेगेटिव है वहां पे तो नेगेटिव बात करेंगे, नहीं, पेशेंस लेवल उसी को तो कहते हैं, है ना, पेशेंस लेवल तो उसी को कहते हैं, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। तो वेबिलिटी आपको समझ में आया, मींस एबिलिटी टू वर्क, समझ में आया। चल नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज कन्वेंशन, है ना। नाउ कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक होता है, मतलब जिसमें कोई चीज नई नहीं होती है, जो पुराने टाइम से चली आ रही है, ट्रेडिशनल है, ठीक है ना, जो ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है, उसे हम बोलते हैं कॉन्वेंशनल, है ना। मींस ट्रेडिशनल और ऑर्डिनरी, है ना, जो ऑर्डिनरी होता है, ट्रेडिशनल होता है, जिसमें कुछ भी न्यू एडेड नहीं होता है ना, जो पुराने टाइम से चला आ रहा है, तो दैट इज नोन एज कॉन्वेंशनल, ठीक है। टिपिकल और कॉमन इसका सिनोनिम है ना, बहुत जो कॉमन है, बहुत टिपिकल है, जिसके बारे में बस ठीक है, ये फेमिलियर है हम इस बात से, है ना, जो बहुत ज्यादा कॉमन है। एंटोनिम इसका क्या है, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी और रेयर हो, है ना, दैट इज अनकॉमन यू कैन से, है ना, जो कभी कभी एकदम न्यू चीज कोई आई हो, न्यू ट्रेंड आया हो, है ना। तो समझ में आया यहाँ पे क्या, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और रेयर, क्लियर एवरीवन, समझ में आया। प्रीतम सर वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, वेरी गुड प्रीतम सर, वेरी गुड, इंप्रेसिव, ठीक है। सो इसका सेंटेंस देख लेते हैं, द नंबर साइन इज द कॉन्वेंशनल सिंबल, जो नंबर साइन होता है ना, वो कॉन्वेंशनल एक सिंबल है, एक चिन्ह है, फॉर लेबलिंग समथिंग मेजर्ड इन पाउंड्स, जो चीज लेबल की जाती है, जिसको मेजर किया जाता है पाउंड्स में, क्लियर एवरीवन, समझ में आया सभी को, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पेनिशिया। देखो पेनिशिया सबको पता है, पेनिशिया सबको पता है, अरे यशी इतना रोने की बात नहीं है, प्रीतम सर ने आपको एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया ये, कि वी यूज टू टेक 10 वर्ड्स, उसके साथ सिनोनिम एंटोनिम अगर ऐड कर लो तो वो ऑब्वियसली इतने सारे वर्ड्स बन जाते हैं, मतलब एक दिन में आप इतने वर्ड्स सिर्फ 10 वर्ड्स के अंदर याद कर लेते हैं बेटा। सो पेनिशिया का मतलब क्या होता है, एक रामबाण, कहते नहीं है इसका तो मेरे पास रामबाण इलाज है, किसी को अगर खांसी आ गई, किसी को अगर खांसी आ गई, खास करके विंटर सीजन में, घर में बहुत सारे हमारे डॉक्टर होते हैं, पता तो होगा ही, कि इवन कभी कभी हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। अच्छा खांसी आ रही है, चलो वो भाप ले लेते हैं, खांसी आ रही है, चलो कुछ नहीं अदरक वाली चाय पी लेते हैं, खांसी आ रही है अदरक और शहद खा लेते हैं,
तो ये कुछ ऐसे नुस्खे हैं ना जिसमें हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, है ना, हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं। यस हर्षित राज, यू आर राइट, रिलीफ और रेमेडी, समझ में आया। सो पेनिशिया इज अ रामबाण और यू कैन से अ रेमेडी फॉर ऑल इल्स और डिफिकल्टीज। जितनी भी परेशानियां हैं, डिफिकल्टीज हैं, कठिनाइयां हैं और बीमारियां हैं, उनका रामबाण इलाज जिसे हम बोलते हैं, यस रेमेडी। सो यहाँ पे आप क्या बोलते हैं, पेनिशिया, ठीक है। और इसका सिनोनिम है एलेक्सिर और रिलीफ। रिलीफ मतलब जिससे आराम मिल जाए आपको, है ना, एलेक्सिर भी इसी का सिनोनिम है। क्लियर एवरीवन? एंड एंटोनिम क्या है, इंजरी और पेन, यानी कि दर्द। अब किसी का इलाज है तो इंजरी क्या हो जाएगा, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट इसका सेंटेंस है, ही फाइंड्स हिज पेनिशिया इन द कॉन्क्रीट लाइफ ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब उसका जो एक डिफिकल्टीज की जो रेमेडी है ना, उसको किसमें मिलती है, व्हेन ही हेल्प्स आउट और इंसानियत। ह्यूमैनिटी मींस इंसानियत। तो आई थिंक दिस वर्ड इज क्लियर टू यू, समझ में आया सभी को? क्लियर है, आगे बढ़े। चल नेक्स्ट वर्ड इज एंड द लास्ट वर्ड इज पैरिटी। ना पैरिटी, जब हम इक्विवेलेंट की बात करते हैं, यानी कि समानता की बात करते हैं, है ना, जब कहां पे हम इक्वल होने की बात करते हैं, सो दैट इज नोन एज पैरिटी। उसको हम बोलते हैं समानता और पैरिटी, ठीक है। यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, जहां बराबरी की बात हो, है ना, जहां पे बराबरी की बात हो उसे हम बोलते हैं क्या, पैरिटी, है ना। एंड सिनोनिम इज यूनिफॉर्मिटी और इक्विवेलेंस। मतलब जहां पे यूनिफॉर्मिटी हो, इक्विवेलेंस हो, मतलब इक्वल चीजों की बात करें, ठीक है, समझ में आया। यूनिफॉर्मिटी और इक्विवेलेंस, क्लियर है सभी को? चलो एंटोनिम इसका देख लेते हैं, दैट इज डिससिमिलैरिटी। अब भाई कहीं पर इक्वल चीजों की बात हो रही है, बराबरी की बात हो रही है, तो अगर डिससिमिलर हो जाएंगे तो दैट विल बी द एंटोनिम ऑफ इट। मतलब यहां पे हम यहां पे अच्छा, कंटिन्यूअस स्टडी इज अ पेनिशिया फॉर एवरी स्टूडेंट, वेरी वेल डन प्रीतम सर, वेरी वेल वेल डन। सो यहाँ पे पैरिटी का मतलब समझ में आया कि जहां पे इक्विवेलेंस की बात हो रही है, बराबरी की बात हो रही है, और अपोजिट क्या हो जाएगा, जहां पे डिससिमिलर हो जाए, है ना, जहां पे सिमिलैरिटी बिल्कुल भी ना रहे, और यू कैन से वेरिएशन, चेंजेस होते रहे, सिमिलैरिटी नहीं यानी वेरिएंस, मतलब चेंजेस होते रहे, है ना, जहां पे चेंजेस की बात हो जाए, सो दैट इज नोन एज द एंटोनिम ऑफ इट, व्हाट, पैरिटी, है ना। सेंटेंस देख लेते हैं। अच्छा Sentence is the two currencies are approaching parity for the first time in decades. मतलब 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि दो currencies क्या है, they are approaching equality, है ना, parity मतलब equality की बात कर रहे हैं। तो I hope this word is clear to you all. सभी को समझ में आ गया होगा ये word, आया कि नहीं? चलो सभी को समझ में आ गया। प्रीतम सर ने आंसर एक और नया वर्ड दिया, दैट इज टेंटामाउंट, वेरी गुड प्रीतम सर, इक्विलिब्रियम, बैलेंस, यस, दीज ऑल आर द सिनोनिम्स ऑफ द parity वर्ड, ठीक है। हर्षित राज ने अच्छा एंटोनिम बहुत सारे दे दिए, वेरिएशन, अनलाइकली, इम्बैलेंस, इनइक्वालिटी, डिसिमिलैरिटी, इक्वालिटी ऑन ऑन बिहाफ ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस और रिलीजन एंड लैंड्स, यस यस, एनीथिंग एनीथिंग इट कैन बी, है ना, कुछ भी हो सकता है। चलो मूविंग फर्दर विद द रिविजन पार्ट, और अब बारी आ गई है बॉयज और गर्ल्स की, एक लिटिल बिट फाइट, राइट, एक छोटी सी फाइट जो कि सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी पे बेस्ड होगी और पर्सनली कुछ नहीं होगी। तो देयर इज नथिंग पर्सनल, ओनली एजुकेशन, राइट, सिर्फ पढ़ाई में एक छोटी मोटी सी फाइट तो चलती है बॉयज एंड गर्ल्स। तो आर यू ऑल रेडी फॉर द रिविजन पार्ट? सभी रेडी है तो जस्ट गिव अ बिग थम्स अप सो दैट वी कैन स्टार्ट फर्दर। एंड एक बार भाई एक थम्स अप ही तो देना है, जस्ट लाइक द सेशन सो दैट बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर ले, है ना। संजीत पासवान, वेरी गुड मॉर्निंग सर। सो बाकी स्टूडेंट्स को भी मौका दो, वो भी तो पढ़े आकर के, एक बिग थम्स अप ही तो देना है ना। जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर करो। अच्छा लेडीज रेडी? चलो स्टार्ट करते हैं रिवीजन पार्ट को, और जो पहला वर्ड है यू हैव टू फाइंड आउट। चलो रेडी हो गए? अच्छा मैं देख लेती हूँ एक बार, रेडी सब लोग हो गए हैं, है ना। फाइंड आउट व्हाट, सचिन पटेल भी रेडी, राजीव धिंगरा, यस आशीष, एवरीवन इज रेडी। लाइक नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, चलो मत करो। तो पहला वर्ड जो क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ फॉरबॉर्न, है ना। बहुत आराम से देखना तब आंसर करना, ठीक है, बहुत आराम से देखना क्वेश्चन तब आंसर करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। मेरे लिए आप सभी चैंपियंस हैं, मेरे लिए आप सभी विनर हैं, बट ट्राई टू आंसर फर्स्ट, राइट। मैम फिर भीड़ हो जाएगी। आदर्श
अच्छा, ये साक्षा वेरी गुड मॉर्निंग। चलो, सिनोनिम ऑफ फॉरबॉर्न यानी कि रोकना। सो आपको हम दे रहे हैं ऑप्शंस, दैट इज सबमिट, बो, एब्सेंट, एब्सेन और डिस्प्यूटेड। जल्दी से आंसर करें, टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम स्टार्ट हो गया, देखो ये देखो टाइम स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले सचिन पटेल ने आंसर किया स्टॉप, मोहन सर ने आंसर किया इम्पीट, हिंडर। ऑप्शन से भी दे सकते हो, देखो आज सारे सारे वर्ड्स में मैंने ऑप्शन दिए हैं, सो डोंट वरी। आज मैंने सारे वर्ड्स में ऑप्शन दिए हैं, सो डोंट वरी। ये पहला है, पता नहीं होगा तो फिर भी इसका आप लोग क्या कहते हैं मार्क्स एड ऑन कर सकते हो। अच्छा, सी मिल गया है, एब्सटेन। ओके, एब्सटेन, प्रिवेंट। ओके अनुज, अर्पित, कस्तूरी, वंदना, प्रीतम, प्रीति, सुरभि, राजीव, सूफी, सचिन, उर्वशी, मीमांसा, जर्नी, हर्षित, ममता, सुरभि, अनुज, अर्पित शुक्ला, अमित कुमार दास, प्रीतम भौरिया, मोहन, हर्षित राज, चंद्रिका, शुभम शर्मा, हर्षित राज, सोनू कुमार सिंह। वेरी गुड एवरीवन। एंड इसका मीनिंग पहले देख लो, दैट इज पोलाइटली और पेशेंटली रिस्ट्रेन एंड इम्पल्स टू डू समथिंग, मतलब किसी चीज को पेशेंटली बहुत बहुत ही धैर्य से किसी चीज को रोकना। हाँ भाई, ऑप्शन सिलेक्ट करो भाई, कंफ्यूज हो रहा है। सो आंसर इज एब्सेन, यानी कि एब्सेन इसका आंसर है। तो आप सब लोग अपने में वन मार्क ऐड कर सकते हो, एवरीवन। सो यू ऑल हैव गॉट वन मार्क। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी है, मैं फिर से बता दूं ऑप्शंस है, तो पहले ऑप्शंस देख लेना फिर आंसर करना। ओके, रेडी? चलो, ये पहला था तो इट्स ओके, फाइन विद दैट। रेडी है? चलो, नेक्स्ट वर्ड इज, जो नेक्स्ट है दैट इज द, यू हैव टू टेल द एंटोनिम ऑफ लिटिगेंट। लिटिगेंट का एंटोनिम बताना है, जिसका मतलब होता है विवादी होते हैं, जो बहुत बहुत ज्यादा विवादी होते हैं। बट यू हैव टू टेल द एंटोनिम, यानी इसका कि अपोजिट आपको बताना है, इसका अपोजिट वर्ड आपको बताना है। और अपोजिट क्या होगा? एसोसिएट, दिस इज लिटिगेटर और रिफ्रेन। एवरीवन फास्ट फास्ट बॉयज एंड गर्ल्स, प्रीतम ने सबसे पहले आंसर किया ऑप्शन नंबर ए, देन सचिन ने आंसर किया आ, यानी वही ए। अरे आ क्यों लिखा है भाई, ए भी लिख सकते हो ना। आदर्श सर ने भी आंसर किया, तो प्रीतम, सचिन और आदर्श फर्स्ट सेकंड और थर्ड लाइन में है। देन प्रीति, मीमांसा, सचिन, जर्नी, माइनस टू क्या होता है, सुरभि ए, और वंदना ने भी ए आंसर किया है, उर्वशी ने पूरा लिख दिया है एसोसिएट, सोनी ने भी आंसर किया, वेरी गुड एवरीवन, शुभम सर ने भी आंसर कर दिया है, सुरभि, प्रीतम भरे, अमित कुमार दास, अनुज, वेरी गुड, फास्ट एवरीवन, अर्चित वर्मा ने भी आंसर कर दिया। तो आंसर इसका क्या होगा, इसका मीनिंग देख लेते हैं, पर्सन इन्वॉल्व्ड इन अ लॉसूट, मतलब जो विवादों से घिरा हुआ हो, है ना। यानी एसोसिएट क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा, बाकी इसके सिनोनिम दिए हुए हैं। तो आंसर विल बी एसोसिएट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट एवरीवन। चलो, एड वन मोर मार्क, एक और मार्क ऐड कर लीजिए अपने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बट मैं इधर ही आ जाती हूँ एक्चुअली, है ना, यहाँ सेंटर पे। तो अब आपका नेक्स्ट जो है, यू हैव टू फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ अनरूली, जिसका मतलब होता है अनियंत्रित, है ना, जिसका मतलब क्या होता है अनियंत्रित, जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। सो व्हाट विल बी द आंसर, जल्दी से आंसर कमेंट करें एवरीबॉडी, फास्ट। अनियंत्रित, सिनोनिम्स ऑफ अनरूली, अनियंत्रित, यानी कि इसका क्या सिनोनिम होगा, यानी कि यू हैव टू टेल द सिनोनिम। प्रीतम ने सबसे पहले आंसर किया डिसऑर्डरली, और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, देख लेना, हो सकता है दो ऑप्शंस हो, एवरीबॉडी, क्योंकि कुछ ने ए किया है, कुछ ने सी किया है, सोनी ने वन टू थ्री तीनों कर दिए हैं, सी सी, गुड, डिसऑर्डरली, चंद्रिका वन टू थ्री, ओके। देखो शुभम शर्मा सर ऑप्शन नंबर डी कैसे हो सकता है बेटा, ऑप्शन नंबर डी कैसे हो सकता है, डिसऑर्डरली एंड डिसरप्टिव एंड नॉट एमिनेबल टू डिसिप्लिन और कंट्रोल, मतलब जो कंट्रोल में रहता ही नहीं है, हमेशा डिसऑर्डर वे में काम करता है। तो इसका आंसर जो है दैट इज डिसऑर्डरली, वाइल्ड और अनकंट्रोलेबल, ये तीनों ही इसके सिनोनिम है। सो वेरी गुड एवरीवन, वेल डन चैंपियंस, जिन्होंने भी वन टू थ्री आंसर किया, और मैं मुझे जहां तक नाम याद आ रहा है, चंद्रिका मैम ने भी वन टू थ्री किया था, प्रीति ने भी किया, हर्षित, शवि ने भी किया, सचिन पटेल, आदर्श, मीमांसा और हर्षित, प्रीतम ने सबसे पहले सिर्फ वन किया था, फिर उसके बाद वन टू थ्री किया है, फिर जर्नी ने भी किया है, शुभम अंकर मजुमदार सर ने भी किया है वन और थ्री, नेक्स्ट लो हो गया, कोई बात नहीं आदर्श सर, है ना, जिन्होंने सी
और वन ऑप्शन किया है उनका भी करेक्ट है, वन टू थ्री भी किया है उनका भी करेक्ट है, सभी मार्क्स ऐड कर सकते हैं. वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ पैरी. पैरी का मतलब होता है किसी तरीके का बचाव, है ना. जब बचाव आप करते हैं किसी तरीके का तो उसे हम बोलते हैं पैरी. एंड द ऑप्शंस आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू, आप सभी के सामने ये ऑप्शंस है. और टाइम स्टार्ट होता है, अब टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आंसर करें एवरीवन, फास्ट जल्दी से इसका आंसर करें, जल्दी से एवरीवन. टाइम अप होने वाला है, टाइम अप होने वाला है, जल्दी से. प्रीतम सर ने लिख दिया ऑल, बचाव है, यू हैव टू टेल द सिनोनिम. अब दोबारा जो आंसर करेगा उसका सबका तो मैंने आंसर देख लिया, ऑल ऑल वालों का. सब लोग एक दूसरे का देख के कर रहे हो क्या जो ऑल ऑल लिख रहे हो. चलो टाइम अप हो गया, मीनिंग इसका पहले देख लेते हैं. पैरी का मतलब होता है वार्ड ऑफ और यू कैन से वेपन और अटैक, एक तरीके का जो हमला होता है या फिर कोई भी वेपन होता है हथियार. सो विद अ काउंटर मूव, है ना, एक काउंटर मूव के साथ अपना बचाव करना, है ना. सो बेसिकली इसका जो आंसर है दैट इज स्टेव ऑफ. एनकाउंटर गवर्नेबल कंट्रोलेबल इसके सिनोनिम नहीं है. आंसर इज ओनली वन, दैट इज स्टेव ऑफ इज द करेक्ट ऑप्शन. तो जिन्होंने भी वन आंसर किया है, जैसे कि पोखरिया का मैंने आंसर देखा वन किया है इन्होंने, और यहाँ पे काफी लोगों ने करेक्ट आंसर किया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यानी कि स्टेव ऑफ. ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज यू हैव टू फाइंड आउट दिस सिनोनिम ऑफ एम्बेलिश. क्या हो गया प्रीतम सर, लो डूब गए नकलची. अरे भाई कह रही थी पहले क्वेश्चन देख लो ढंग से, नहीं समझ में आया. मैं टाइमर दे रही हूं, बहुत आराम से चल रही हूं मैं, इसलिए बाबा क्यों ऑप्शंस देख रही हूं. हाँ उर्वशी मैंने देखा था आपका आंसर, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से इसका आंसर करें. एम्बेलिश, एम्बेलिश का मतलब होता है सवारना किसी चीज को, है ना, किसी चीज को क्या करना, सवारना. हाँ तो बचाव में ही आता है सर उसका सिनोनिम में प्रीतम. एडॉन, हर्षित राज ने सबसे पहले आंसर किया एडॉन. और जो ऑप्शंस है उनमें से आंसर करो, प्रीतम सर ने भी आंसर कर दिया है डेकोरेट. वेरी गुड, देखो दो भी आंसर हो सकते हैं, मैंने पहले बोला था. हर्षित राज ने बोला है ड्रेसअप, मोहन ने टू और फोर आंसर दिया है, वंदना और आशीष ने फोर आंसर दिया है, कन्हई ने आंसर दिया है ड्रेसअप, उर्वशी ने डेकोरेट दिया है, प्रीतम ने भी डी आंसर दिया. तो मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस अगर मैं देख पा रही हूँ तो डी ऑप्शन दे रहे हैं, और एक कुछ लोग बी भी दे रहे हैं. तो इसका मतलब होता है इंटरप्ट अ पब्लिक स्पीकर विद डिसिव और एग्रेसिव कमेंट और अब्यूज. ठीक है, यहाँ पे बेसिकली डेकोरेट और एडॉन इज द करेक्ट आंसर. तो जिन्होंने भी सेकंड और फोर्थ आंसर दिया है वो क्या है, एकदम करेक्ट है, सेकंड और फोर्थ वाले. सो वेल डन चैंपियंस, सेकंड और फोर्थ आप सभी का आंसर एकदम करेक्ट है. प्रीतम सर ने भी सेकंड और फोर्थ आंसर किया है, अर्चित ने सेकंड और थर्ड कर दिया, मीमांशा सेकंड फोर्थ थ्री, थ्री कहां से हो जाएगा, है ना. आर्मी लवर ने भी डी किया है, शवि ने सी और डी किया है, सेकंड और फोर्थ है, टू और फोर जिन्होंने भी आंसर किया है ना, प्रीति सोनी शवि, शवि ने नहीं किया है, शवि ने सिर्फ सी और डी लिखा है, है ना. शुभांकर ने फोर दिया है, शवि अंजनी ने वन फोर, बड़ा तुम लोग वन फोर टू फोर, बाबा आंसर मत चेंज करो भाई, आंसर मत चेंज करो. ठीक है चलो, तो सेकंड एंड फोर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट मिलते हैं, फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ मॉन्डर. मॉन्डर मतलब होता है कुछ गुनगुनाना, है ना, कुछ गुनगुनाना. सो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं ये, और टाइम स्टार्ट हो चुका है, दैट इज डिसएग्रीएबलनेस, प्रेट, प्रैटल और रैम्बल. क्या होगा इसका सिनोनिम, गुनगुनाना, मॉन्डर. मॉन्डर का क्या होगा यहाँ पे, जल्दी से सभी लोग बताएं, टाइम अप होने वाला है और टाइम अप हो चुका है ऑलरेडी, जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा सभी लोग. ऑप्शन से ही आंसर करो तो ज्यादा इजी है, अपने आप से मत लिखो. अच्छा मीमांशा इज क्वेश्चनिंग की डिफेस का मतलब बेटा, डिफेस जस्ट उसका अपोजिट है ना, किसी चीज को स्पॉइल करना. चलो आंसर मुझे मिल गया थ्री,
मैं एक ही देता हूँ, रॉन्ग है या राइट? अच्छा डी, 3 या 4? डी, सी रैम्बल, सी डी देख लो, गुनगुनाना। फिलहाल इसका मीनिंग पहले देख लेते हैं, दैट इज टॉक इन अ रैम्बलिंग मैनर, बहुत ही रैम्बल मैनर में बात करना, है ना। सो आंसर इज प्रेट, प्रैटल और रैम्बल, यानी कि ये तीनों ही इसके आंसर हैं। तो जिन्होंने 2, 3, 4 आंसर किया है वो भी करेक्ट हैं, जिन्होंने 4 आंसर किया है वो भी करेक्ट हैं, जिन्होंने सिर्फ 3 भी किया है अगर तो वो भी करेक्ट है। एवरीवन, पोक्रिया 1 नहीं होगा, पोक्रिया यू आर रॉन्ग, यहाँ पे -1 कर लो भाई। आर्मी लवर ने सी और डी दिया, तो इन तीनों में से जिन्होंने आंसर दे दिया इस तीनों के अंदर या तीनों दिए हैं तो वो सब करेक्ट है ना। अपने मार्क्स आप एड ऑन कर सकते हो। ओके चल नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज यू हैव टू फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ रियू। रियू मतलब होता है पछताना, ठीक है। और इसके जो ऑप्शन है वो ये है, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, पछताना, इसका आपको एंटोनिम बताना है यानी कि अपोजिट वर्ड, ठीक है, उसका अपोजिट बताना है। तो पहला वर्ड दिया है इम्पेनिटेंस, रिग्रेट, अपोलोजेटिक और सॉरी। पछताने का आपको क्या देना है? सिर्फ और सिर्फ एंटोनिम यानी अपोजिट। प्रीतम ने आंसर कर दिया है सबसे पहले ए, सचिन ने भी आंसर किया, वेरी गुड सचिन। आदर्श सर ने आंसर किया है ए, सुरभि, प्रीति, 4, वी आर राइडर्स, आपने 4 किया है, और कस्तूरी ने सी किया है। बेटा अपोलोजेटिक मतलब क्या होता है? जब आप माफी मांगते हो यानी यू हैव अ गिल्ट ऑफ समथिंग, तो ये तो सिनोनिम हो गया, खुद सोचो ना। मोहन सर ने कहा 1, 2, 3, 4 सब ले लीजिए मैम। भाई रिग्रेट मतलब होता है आपको किसी चीज का पछतावा, अपोलोजेटिक मतलब होता है किसी चीज का पछतावा। वेरी गुड मॉर्निंग प्रज्ञा मैम, फाइनली यू जस्ट आ गई आप क्लास में। सो सॉरी का भी मतलब होता है पछताना। तो इम्पेनिटेंस ही तो बचा, मतलब कोई रिग्रेट नहीं, है ना। तो बिटरली रिग्रेट समथिंग वन हैज डन और अलाउड टू हैपन, सो ये होता है रियू का मतलब। आर यू ई का मतलब क्या हुआ? पछताना। और आंसर इज इम्पेनिटेंस, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने भी 4 आंसर किया है, 2nd आंसर किया है या 3rd आंसर किया है, दे आर रॉन्ग, ठीक है। -1 कर लो आज, तो मार्किंग्स अपनी क्लियर कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड इज यू हैव टू फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ स्लैंडर। स्लैंडर का मतलब होता है किसी की झूठी प्रशंसा, झूठी निंदा करना, है ना, झूठी निंदा करना, उसे हम क्या बोलते हैं? स्लैंडर। इसके ऑप्शंस हैं, आंसर करना है आपको, सिनोनिम इसका बताना है, कौन कौन से इसके सिनोनिम्स हैं, जल्दी से आंसर करें। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बताएं। स्लैंडर यानी कि झूठी निंदा करना। मैं इसके मीनिंग्स भी इसीलिए आप लोगों को बताते जा रही हूं, सो डोंट वरी। टू और थ्री यानी कि डिफेम और इंसल्ट, अच्छा 2 और 3, प्रीतम, आदर्श, हर्षित, सचिन, सुरभि, चंद्रिका, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। प्रीतम, प्रीति, शवी, शवी बेटा 4th कैसे हो जाएगा? प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना। उर्वशी करेक्ट, वी आर राइडर्स 3, मोहन ने भी 2, 3 किया है, मीमांसा, शुभम शर्मा ने भी 2, 3 किया है, कस्तूरी दत्ता, उर्वशी, अर्चित, शील्ड, सूर्यांश, जर्नी, छवि, बार बार, एक तो दो दो बार आंसर मत किया करो बाबा, बहुत बार नाम बोलना पड़ेगा। मनीष तिवारी, बी, सुरभि। चलो अब मीनिंग देख लेते हैं इसका, कि मेक फॉल्स एंड डैमेजिंग स्टेटमेंट्स अबाउट समवन, किसी के बारे में किसी को क्रिटिसाइज करना है तरीके से, है ना, किसी के बारे में कुछ गलत बोलना, निंदा करना, उसकी फॉल्स और डैमेजिंग स्टेटमेंट देखना जो हर्टफुल हो जाए, ठीक है। एंड इसका आंसर होगा डिफेम और इंसल्ट, यानी 2nd और 3rd ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने भी 2nd और 3rd आंसर दिया है दे आर राइट। जर्नी 4 कैसे हो जाएगा सर? ग्लोरीफाई और प्रेज, आपका कहीं ना कहीं प्रशंसा यानी अप्रेजल के उसमें आता है, तो ये आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग त्रिपुरारी सर, आप थोड़ा लेट हो गए आई थिंक, अच्छा फास्ट कर चलो कोई नहीं, आदत बनाने में समय लगेगा थोड़ा सा। नेक्स्ट इज यू हैव टू फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ सिंच। इसका मतलब होता है बहुत आसान काम, बहुत इजी काम। तो इसके ऑप्शंस हैं इजी, अनकॉम्प्लिकेटेड, टफ और डिफिकल्ट। यू हैव टू टेल द एंटोनिम्स ऑफ इट, इसके एंटोनिम आपको मार्क करने हैं। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, टाइम स्टार्ट हो गया है, चलो जल्दी से। सबसे पहले जर्नी ने आंसर दिया दैट इज टफ,
ऐसे ऐसे नाम रखते हैं क्या, इतना अच्छा नाम मम्मी पापा रखते हैं, मुझे तो अपना नाम बहुत पसंद है, तुम लोग पता नहीं क्यों कैसे कैसे नाम से आ जाते हो। 3 of 4 प्रीतम सर ने आंसर कर दिया है, शील आपने भी आंसर कर दिया, वेरी गुड, आदर्श सर ने भी आंसर कर दिया, त्रिपुरारी कोई बात नहीं, सचिन ने भी आंसर किया, वेरी गुड सचिन, सुरभि वी आर राइडर्स, प्रीतम, प्रीति, चंद्रिका, सूर्या, शवि, हर्षित, सोनी, सोनी कुमार सिंह, मोहन, कन्हई मलिक, वंदना, सूर्यांश, इतने सारे आंसर आते जा रहे, नाम मेरे से ब्लर्ड होते चले जाए, कस्तूरी, मीमांशा, अक्षय, वेरी गुड, अर्चित, हर्षिता, सोनी, यश सर बड़ी देर बाद आए आप, जर्नी, उर्वशी, शील्ड, प्रियंका, वेरी गुड, प्रियंका ए कैसे हो जाएगा, यू हैव टू टेल द एंटोनिम बेटा, सूर्यांश टू कैसे हो जाएगा, आप खुद सोचो ना, टू कैसे हो गया, टू कैसे हो जाएगा, अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत इजीली हो जाएगा, और इसका एंटोनिम इजी का क्या हो जाता है, जो डिफिकल्ट यानी कि कठिनाई से जो हो, यानी एन एक्सट्रीमली इजी टास्क, उसका मीनिंग हो गया, इसका आंसर हो जाएगा टफ और डिफिकल्ट, क्योंकि आपको क्या बताना था, एंटोनिम यानी कि अपोजिट वर्ड बताना था। ठीक है, समझ में आया सभी को, एवरीबडी समझ में आया, तो बेसिकली आपको यहाँ पे टफ और डिफिकल्ट इसका करेक्ट आंसर हो गया। मूविंग फर्दर विद द नेक्स्ट वर्ड दैट इज द यू हैव टू टेल द सिनोनिम ऑफ पैलेशियल एंड द ऑप्शंस आर देयर, यानी इसका मतलब होता है आलीशान, पैलेशियल मतलब जो बहुत ज्यादा आलीशान होता है, उसको सिनोनिम आपको बताना है, बहुत ईजी है। ठीक है, और टाइम स्टार्ट आपका होता है, अब टाइम स्टार्ट हो चुका है, चलिए बताएं ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 और 4। सो प्रियंका ने आंसर किया 3, इसका सिनोनिम बताना है, लग्जूरियस, वेरी गुड एवरीवन, प्रीति, प्रीतम, सुरभि, लकी, सचिन, 2 और 4, वेरी गुड एवरीवन, 4 आंसर आ गया ना इसी वजह से। सो आंसर है रिजेंबलिंग अ पैलेस इन बीइंग स्पेशियस एंड स्प्लेंडेड, बहुत ज्यादा खूबसूरत, बहुत ज्यादा लग्जूरियस जो होते हैं उसके लिए बात करते हैं। तो यहाँ पे 2 आंसर है, दैट इज सेकेंड और थर्ड, ठीक है, सॉरी सेकेंड और फोर्थ इसका आंसर होगा, जो बहुत ज्यादा मैग्निफिशियंट हो, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, राइट, लग्जूरियस हो, आलीशान जैसे हम बोलते हैं, उस आलीशान के लिए लग्जूरियस वर्ड तो हम सभी जानते हैं, बट पैलेशियल वर्ड भी हम लग्जरी के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन, everybody, is that clear or not? Chalo, so that was the what, the revision part, jaldi se apne marks start kare, so that we can start further with the editorial analysis, fir hum apne editorial se start karenge, jaldi se aap sabhi apne marks bataein, kitne logo ke kya marks aaye hain, acha maza aa gayi aaj, kal udaas ho gaye the, humne socha aaj thoda sa acha kar dete hain, है ना, चलो जल्दी जल्दी मार्क्स दो अपने, फिर एडिटोरियल स्टार्ट करना है, और आज का एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली रिलेटेड टू सोलर एनर्जी, है ना, क्योंकि आज जो बात हो रही है आर्टिकल में वो सोलर एनर्जी के यूज के लिए बात हो रही है, कि काफी सारी चीजें अब सोलर एनर्जी के द्वारा ही करी जाएंगी, है ना, और लेकिन ये इकलौता ऐसा मात्र रास्ता नहीं है सोलर एनर्जी कि जिसके थ्रू हम बाकी जितनी भी जरूरतें हैं वो पूरी हो जाए, तो सोलर एनर्जी इज नॉट द ओनली एनर्जी जिसके लिए हम बाकी चीजों पे डिपेंड हो जाए। सोनी हैज गॉट 7, चंद्रिका हैज गॉट 10, वेरी गुड चंद्रिका, कस्तूरी हैज गॉट 7, आदर्श सर हैज गॉट 9, सचिन पटेल ये क्या है, नंबर दो ना, शेड 4 मार्क्स, प्रीति हैज गॉट 9, शुभम शर्मा वेरी गुड अटेम्प्ट 7 मार्क्स, मैम मैं लेट तो लेट हो गया, कोई बात नहीं आप एडिटोरियल में जुड़ जाइए सर, छवि गौतम हैज गॉट 7, अंजनी हैज गॉट 6, देखो ये जितने भी इमोजीज बना रहे हैं ना, प्लीज मत बनाओ, मार्क्स लिखने हैं, सुरभि हैज गॉट 9, जर्नी +3 -3, कोई बात नहीं बेटा, गगन सर मार्क्स ही नहीं है, मैं नाम ही नहीं लूंगी, अब लूंगी ही नहीं नाम, फुल -1, ओके, प्रीतम भौरिया हैज गॉट 10, वेरी गुड, सचिन पटेल हैज गॉट 10, शुभम शर्मा ईमानदारी से, यस सर वेरी गुड, आई नो, है ना, हाँ नहीं चाइना वाला नहीं होगा, जर्नी आज 0, अच्छा आशीष रंजन क्या मार्क्स है ये बेटा, उर्वशी हैज गॉट 9, चलो वेरी वेल डन चैंपियंस, एंड आज के जो विनर हैं वो हैं प्रीतम सर, वेरी वेल डन प्रीतम सर, भाई और लोग भी आगे आओ ना, प्रीतम सर डेली एकदम, आज तो नए वर्ड्स थे एकदम, आप तो कह भी नहीं सकते कि मैम पुराने वर्ड्स थे या लाइन से वर्ड्स थे, एकदम नया पैटर्न था, ट्राई करो, है ना, ऑप्शंस ऐसे ही हम डेली देंगे, सो डोंट वरी, चलो अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल की तरफ,
और आज का जो आर्टिकल है एक मिनट, अच्छा ये तो मैं देख ही नहीं रही। चलो आज का जो आर्टिकल है एक यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि आर्टिकल में आज क्या है। एक दिया गया है वार्निंग साइन, है ना, वार्निंग साइन यानी कि इंडिया कैन नॉट विश अवे द सिचुएशन ऑन द चाइना बॉर्डर बाय स्टेइंग साइलेंट, मतलब शांत रह करके चाइना बॉर्डर पे कोई भी काम आगे नहीं हो सकता। ये सब एक कुमार मोस्ट वेलकम, ठीक है, एक तो ये आर्टिकल है, ठीक है, इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। अब इसके बारे में आगे हम देखते हैं एनर्जी कैलेंडर, ये आपके थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड भी और रीडिंग स्किल के अकॉर्डिंग आपके लिए काफी बेनिफिशियल भी होगा। तो एनर्जी कैलेंडर से रिलेटेड हम चीजें पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। कैलेंडर का मतलब अभी मैंने बताया था क्या होता है, जल्दी से बताओ मुझे मीनिंग। अच्छा मीमांसा कल से तुम जीत जाओगी कोई बात नहीं। सो जल्दी से बताइए कैलेंडर का मतलब अभी मैंने क्या बताया था, एवरीबडी फास्ट, कि एनर्जी क्या होगी, कैलेंडर, एवरीवन, वेरी गुड प्रियंका, गुड मॉर्निंग प्रियंका मैम, हेलो। कैलेंडर का मीनिंग अभी मैंने जस्ट बताया था, जल्दी से बताएं कि क्या होगा इसका मीनिंग। देखो यहां पे बेसिकली एनर्जी कैलेंडर इसलिए बोला गया कि भाई एनर्जी का जो यूज होना है ना, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे दिखा रहा है। क्या कंफ्यूजन है एनर्जी के लिए, कि सोलर पावर इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, सोलर पावर जो है वो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बट इट विल नॉट सर्व एवरी एनर्जी नीड। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि वो हर तरीके की जहां पे एनर्जी की नीड हो वहां पे सोलर पावर यूज हो सकता है। इसी को लेकर के थोड़ा सा आर्टिकल में चर्चा की गई है। लिखा है एट द कोर ऑफ इंडिया एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, अगर भारत की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए, इज इट्स बेट ऑन सोलर पावर, तो वो कौन सी होगी, सोलर पावर, एंड बेस्ड ऑन अ कमिटमेंट, अगर कमिटमेंट पे अगर बेस्ड है, सो टू एड्रेस द ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस, जो ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस जो चल रहा है, इंडिया हैज प्रॉमिस्ड टू सोर्स नियरली हाफ इट्स एनर्जी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस। भारत ने यह प्रॉमिस किया है कि कितनी एनर्जी सोर्सेज जो है वो कितनी करेंगी, एटलीस्ट हाफ इट्स एनर्जी, अपनी जो हाफ इट्स एनर्जी जो यूज की जाएगी दैट विल बी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज, जो होंगी जो नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज होंगी, रिसोर्सेज होंगी, उनसे किया जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, साइंस स्टूडेंट्स ने सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसी को लेकर के बोला गया कि कब तक, कम से कम हाफ जो है वो होंगी 2030 तक, एंड शॉर्टर टर्म की अगर हम बात करें, अगर शॉर्टर टर्म की बात करें, सोर्स एटलीस्ट 60% ऑफ इट्स रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम सोलर पावर, कितना सोर्स ले गया जा चुका है, 60% ऑफ इट्स रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, 60% रिन्यूएबल एनर्जी फ्रॉम सोलर पावर यूज की जा चुकी है। हाउएवर अ डिस्क्लोजर इन पार्लियामेंट, डिस्क्लोजर मतलब कुछ जो चीजें बता दी गई हो, डिस्क्लोज कर दी गई हो पार्लियामेंट में बाय द मिनिस्टर फॉर पावर, जो मिनिस्टर है पावर के लिए, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सजेस्ट दैट, जो न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी है वो क्या सजेस्ट करती है, कि इंडिया फेसेस सिग्निफिकेंट हेडविंड इन दिस क्वेस्ट, मतलब इसमें जो क्वेश्चन रेज हो रहा है, तो भारत इसमें क्या फेस कर रहा है, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट हेडविंड, हेडविंड मीनिंग मैंने आपको बताया था, अ की सेंटर पॉलिसी टू सोर्स सोलर पावर, जो एक की पॉइंट है ना इसके लिए, इस पॉलिसी के लिए, सोलर पावर के लिए, इज फैसिलिटेटिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लार्ज सोलर पार्क। आजकल बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा सोलर पावर लगे होंगे ना, सोलर एनर्जी के लिए, जो सोलर की एनर्जी जैसे लाइट चली जाती है, लोग बैटरी वगैरह यूज करते हैं, इन्वर्टर यूज करते हैं, तो उसकी वजह सोलर पावर लगवा रहे हैं अब, है ना। स्मॉल सोलर पावर प्रोजेक्ट्स यूजुअली ट्रांसलेट टू हायर पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब जो स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स है अब उनको हायर प्रोडक्शन कॉस्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है। एंड सो इन 2014, अगर 2014 की बात करें, तो जो केंद्र ने अनाउंस किया था कि सोलर पार्क्स होंगे, अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स होंगे, ये पॉलिसीज क्या की गई थी, सेंट्रल ने अनाउंस की थी, ठीक है, सोलर पावर प्रोजेक्ट पॉलिसी अनाउंस की थी, टू फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ लार्ज पार्क, मतलब जो सोलर पावर है ना उसको और एक्सपैंड करना होगा। जो इनिशियल प्लान था, जो पहले सबसे पहले प्लान बना था, वो कितने पे सेट किया गया था, इट हैज बीन सेट अप टू 25 पार्क्स, जो कितना कैपेबल होगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, 20,000 मेगावाट 2019 तक, यानी 2019 तक 20,000 मेगावाट की एनर्जी जनरेट करेगा, ठीक। और 2017 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट स्केल्ड दिस, गवर्नमेंट सरकार ने अगर इसकी स्केलिंग करी तो देखा 61 पार्क्स तक हो गया था विद द टारगेट ऑफ व्हाट,
40,000 मेगावाट. सो इट इमर्जेस, ऐसा लगता है, ये ऐसा लग रहा है कि अगर 2022 तक की बात करी जाए सो दैट ओनली अ फोर्थ ऑफ द कैपेसिटी हैज बीन अचीव. इसमें कि खाली 1/4 कैपेसिटी ही अचीव की जा सकी. ये स्पीड ऑफ 20 के मेगावाट. ठीक है, प्रोजेक्ट्स वर्थ 10,000 मेगावाट हैव बीन कमीशन. सिर्फ कितने के प्रोजेक्ट्स हुए हैं अभी तक कमीशन? 10,000 मेगावाट के. सो फोर प्रोजेक्ट्स हैव बीन कैंसिल, चार प्रोजेक्ट ऑलरेडी कैंसिल कर दिए गए. किसके द्वारा? बाय सेंटर्स ओन एडमिशन, केंद्र के अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ से. ड्यू टू टार्डी प्रोसेस, बहुत ही क्योंकि स्लो प्रोसेस चल रहा था इस वजह से क्या हुआ, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं चारों ये कैंसिल कर दिए गए थे. ठीक है, ये कैंसिल कर दिए गए थे. अब यहाँ पे बोल रहे हैं आगे क्या देख लेते हैं कि द रोड ब्लॉक्स इन द सेंटर्स, जो रोड ब्लॉक्स हैं सेंटर्स में, एस्टिमेट इनका जो अनुमान है वो क्या है कि दे हैव बीन चैलेंजेस इन एक्वायरिंग लैंड विद अ क्लियर टाइटल, सेटिंग अप इंफ्रास्ट्रक्चर नेसेसरी टू ट्रांसमिट पावर प्रोड्यूस एट दीज पार्क्स टू द ग्रिड एंड इन एन अनयूजुअल डिस्क्लोजर दैट इज एनवायरमेंटल इश्यूज इन राजस्थान एंड गुजरात. जो राजस्थान और गुजरात में एनवायरमेंटल इश्यूज चल रहे हैं उसको लेकर के यहाँ पे ये बात बोली गई कि भाई ये जो रोड ब्लॉक्स है ना और सेंटर का जो केंद्र का जो एस्टिमेट है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होगा ये एक्वायर करना कि कहाँ पर ये सोलर पावर लगाए जाए, है ना. लैंड की प्रॉब्लम होगी, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होगी. तो ये सारी चीजें, वेयर प्रोजेक्ट्स हैव बीन हाल्टेड, जहां राजस्थान गुजरात में क्या किया गया था, इन प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया था. हॉल्टेड मतलब रोक दिया गया था बिकॉज देयर ट्रांसमिशन लाइंस एनक्रोच अपॉन द हैबिटेट ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. जो एंडेंजर्ड मतलब क्या होता है, जो बहुत ही खतरनाक होते हैं. क्या किसने रोक दिया था? जो ट्रांसमिशन लाइन थी दे एनक्रोच अपॉन द हैबिटेट. एनक्रोच मतलब अतिक्रमण कर दिया. ठीक है, ठीक है, समझ में आया. ना आगे यहाँ पे एज अ रिजल्ट बोल रहे हैं कि नॉट विद स्टैंडिंग मतलब एज अ रिजल्ट बोल रहे हैं कि इट्स क्लेम ऑन, इसके अगर क्लेम देखे जाए ऑन इंटरनेशनल पोडियम, अगर इंटरनेशनल पोडियम की बात करें, इंटरनेशनल स्टेज की बात करें, तो यहाँ पे आगे बोला गया कि इट इज ऑन ट्रैक टू मीटिंग रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स. मतलब ये कहीं ना कहीं एक बार ट्रैक पे भी है कि हमें ये जो रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स है वो हम कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, इट इज नो सीक्रेट दैट इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड. इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि भारत इसमें कहीं ना कहीं अभी पीछे रह गया है. ठीक है, बाय द एंड ऑफ 2022, अब 2022 के एंड की बात कर रहे हैं, एंड यानी कि दिसंबर, हाफ दिसंबर तो ऑलरेडी निकल चुका है. हाँ, इंडिया हैड कमिटेड, भारत ने क्या कमिट किया है, टू हैविंग इन प्लेस 1,75,000 मेगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, है ना. कितना? 1,75,000 की मेगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी होगी. कितने से हो जाएगी? 1,00,000 कम से कम इस एंड में मेगावाट की सोलर पावर से जरूर एनर्जी जनरेट कर ली जाएगी. However, हालांकि अगर देखा जाए अभी तक सिर्फ और सिर्फ इसमें से, इस फिगर में से 61,000 मेगावाट जो है वो एक्चुअली इंस्टॉल हुआ है. बस टारगेट है 1,75,000 का, हुआ कितना, करना कितना था, 1,00,000 के साथ उसको रिप्लेस किया गया और अभी तक हुआ कितना है, सिर्फ और सिर्फ 61,000. सो फॉर अ फ्यू इयर्स नाउ, अगर कुछ सालों की बात करें, सो देयर हैज बीन कंसिडरेबल हाइप अराउंड सोलर पावर अचीविंग ग्रिड पैरिटी, यानी इक्विबिलिटी की बात करें इन इंडिया, दैट इज मीनिंग पावर कंपनीज आर एबल टू सेल इट एट अ प्राइस लोअर. जो भारत की कंपनियां हैं इसको लोअर प्राइस में कहीं ना कहीं सेल कर पा रही हैं. और आगे यहाँ पे बोल रही हैं एज मच एज अ प्राइस लोअर और एज मच एज कॉन्वेंशनल सोर्सेज, जो पुरानी सोर्सेज है ना जिसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है. हाँ, एग्जैक्टली प्रीतम सर, यू आर राइट. तो यहाँ पे यही चीज बोली गई कि कंसेशंस फ्रंट लोडेड बाय द गवर्नमेंट. तो व्हाइल इंडिया शुड कंटिन्यू टू एक्सपैंड इट्स इकोनॉमी ऑन द बैक ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, हालांकि जो भारत है उसको कंटिन्यू करना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए, टू एक्सपैंड इट्स इकोनॉमी, अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाते रहना चाहिए ऑन द बैक ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, द गवर्नमेंट मस्ट टेक अ हार्ड लुक एट वेदर रिन्यूएबल पावर सोलर विंड और न्यूक्लियर मीट्स स्टैंडर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक वेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और नॉट. जो जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है उसको मीट कर रही है रिक्वायरमेंट्स की नहीं, चाहे वो पावर की बात हो, सोलर की बात हो, विंड या न्यूक्लियर की बात हो, है ना, इकोनॉमिक वेबिलिटी हो रही है कि नहीं हो रही है. सो सोलर पावर मे बी अ वैल्यूएबल टूल, हालांकि कहा जा रहा है कि जो सोलर पावर है, सोलर एनर्जी जो है वो एक इकोनॉमिक टूल हो सकता, एक वैल्यूएबल टूल हो सकता है इन इंडियाज एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, भारत की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल और वर्थ टूल हो सकता है. ठीक है, बट इट कैन नॉट बी द पेनिशिया फॉर एवरी नीड, बट ये हर एक जरूरत की रेमेडी नहीं हो सकती. सोलर पावर जो है वो हर तरीके की एनर्जी की नीड को पूरा
नहीं कर सकती, यही आज के आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। ठीक है, यही आज के आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। सो दैट वाज द इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। रिन्यूएबल एनर्जी से रिसोर्सेज है, बस खाली ये बात बोली जा रही है कि आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं सोलर पावर को ही वरीयता दी जाएगी, इंपॉर्टेंस दी जाएगी। बट स्टिल देयर इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजन। एक कंफ्यूजन ये है कि क्या सोलर पावर को ही वो लोग अब सारी चीजें मान लेंगे कि भाई उसी से सारी जितनी भी एनर्जी नीडेड है वो सब सोलर पावर से ही ली जाए। खाली इलेक्ट्रिसिटी की ही बात करें बट इतनी कैपेसिटी के लिए हमें सन की भी जरूरत तो होगी। तो ये कहीं ना कहीं फिगर गिरता चला रहा है। तो इसके बारे में आगे हो सकता है कि आगे चल के कुछ और आर्टिकल या न्यूज जरूर आए। सो अब आते हैं होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। होमवर्क क्वेश्चन में आपका पहला वर्ड है होमवर्क क्वेश्चन में आपका पहला वर्ड जो है वो है आपका ट्रांसग्रेशन और दूसरा वर्ड है प्लेयर। सो दीज टू वर्ड्स हैव बीन गिवन टू यू ऑल। आई होप जितने लाइव हैं एटलीस्ट सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है, उसके अलावा कमेंट जरूर करना है। शेयर और लाइक तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं मुझको, बिल्कुल मत करो, बट आंसर जरूर कमेंट करो। जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं आंसर जरूर कमेंट करने हैं, इनके मीनिंग जरूर कमेंट करने हैं। और अगर आपको सेशन समझ में आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द सेशन। ठीक है, इसको शेयर जरूर करना है। ठीक है, इसको शेयर जरूर करना है। ठीक है, टिल देन है ना, टिल देन थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ठीक है, एंड इफ यू लाइक द सेशन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आफ्टर दैट चैनल में जो नए स्टूडेंट्स आज जुड़े हैं, खास करके अभिषेक कुमार और बाकी स्टूडेंट्स जो जुड़े हैं, सो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। एंड प्रेस दिस बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ईच एंड एवरी नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और डेली हम मिलते हैं यहाँ पे कितने बजे बताओ स्टूडेंट्स, कितने बजे मिलते हैं? डेली हम मिलते हैं यहाँ पे 7:30 AM पे और सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। सो जुड़े रहिएगा मेरे साथ डेली 7:30 AM पे फॉर द हिंदू एडिटोरियल और वोकैबुलरी। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.